अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तहसीन अकबर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान करंट अफेयर्स। दोस्तों, पाकिस्तान एयरफोर्स ब्लॉक 3 के अलावा अपने मौजूदा JF-17 भी अपग्रेड करने जा रहा है। JF-17 को किस तरह अपग्रेड किया जाएगा, ब्लॉक 3 किस तरह अमेरिकन F-21 के बराबर होगा, आज इस पर बात करेंगे। चाइना और पाकिस्तान प्लान कर रहे हैं कि अपनी मुश्तरका डेवलपमेंट JF-17 जो डेवलप हो चुके हैं इनको भी अपग्रेड किया जाएगा। JF-17 की वारफेयर सलाहियतों को बढ़ाने के साथ वेपन्स को भी बेहतर बनाया जाएगा। PVR PL-15 मिसाइल की फ्राहमी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। दूसरी तरफ JF-17 ब्लॉक 3 की भी तैयारी जारी है, जिसमें KJL-7A रडार इंस्टॉल कर दिया गया है। ना सिर्फ इंस्टॉल किया गया है बल्कि ये फाइनल इंस्टॉलेशन भी है। इसके बाद दूसरे कंपोनेंट्स को इंस्टॉल किया जाएगा। पाकिस्तान के मौजूदा JF-17 में मौजूद मेजर अपग्रेडेशन की जाएंगी, इनमें वारफेयर सिस्टम की सलाहियतों को बढ़ाना शामिल है। चाइना के पास तमाम एयरक्राफ्ट में ये सलाहियत मौजूद है। मॉडर्न वारफेयर की इस टेक्नोलॉजी को JF-17 में भी इस्तेमाल किया जाएगा। JF-17 को इस वक्त इंडियन तेजस और कोरियन FA-50 के साथ कंपेयर किया जा रहा है, मगर JF-17 का ब्लॉक 3 दुनिया के जदीद तरीन एयरक्राफ्ट के हम पल्ला होगा। JF-17 ब्लॉक 3 मुमकिन तौर पर 4.5 जनरेशन का तैयारा होगा। ब्लॉक 3 में क्योंकि ऐसा रडार और HMD हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले भी शामिल हो गया है, इसलिए इसे F-16 के लेटेस्ट तैयारों के साथ कंपेयर किया जा सकता है। अमेरिकन F-21 जो भारत को फराहम किया जा रहा है, बल्कि यूं कहें कि अभी सिर्फ भारत को पेशकश की गई है लॉकहेड मार्टिन की तरफ से, इसके हम पल्ला ही होगा। ब्लॉक 3 की तैयारी के हवाले से चीफ डिज़ाइनर का कहना है, जो कि JF-17 के चीफ डिज़ाइनर हैं, JF-17 ब्लॉक 3 के एयर फ्रेम में ज़्यादा तब्दीली ना होने की वजह से जैसे ही दूसरे कंपोनेंट तैयार होंगे JF-17 में इंस्टॉल कर दिए जाएंगे। JF-17 ब्लॉक 3 को ना सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा बल्कि बहुत से ममालिक होल्ड पे भी हैं, ताकि डेवलप होने के बाद इसकी कारकर्दगी का देख कर फैसला कर सकें कि इससे अपनी एयरफोर्स में शामिल करना है या नहीं। JF-17 की मल्टीपल टारगेट्स को एक वक्त में निशाना बनाने की सलाहियत, जदीद तरीन नेटवर्क सिस्टम और दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम के साथ मुंसलिक होने की सलाहियत की वजह से दूसरे ममालिक इंतज़ार करने पर मजबूर हो रहे हैं, जो अपनी एयरफोर्स को न्यू एयरक्राफ्ट फ्राहम करना चाहती हैं। दूसरी तरफ अमेरिकन कंपनी भारत को F-21 जो कि F-16 वाइपर ही है, भारत को फ्राहम करना चाहता है। ये दोनों एयरक्राफ्ट एक दूसरे के अम पल्ला ही होंगे और इन दोनों एयरक्राफ्ट्स के बारे में आपको तफसीली वीडियो जो है वो हम बहुत जल्द फ्राहम कर दूँगा। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।